विदिशा जिले के पठारी समीपस्थ ग्राम छपारा में देवी माता मंदिर परिसर में दो माह पूर्व गिरा हुआ पीपल का पेड़ अचानक एक झटके में खड़ा हो गया, जिसे लोग देवी चमत्कार मान रहे, जिसकी जांच करने विदिशा से 5 सदस्यीय तकनीकी दल पहुंचा, जिसमें पीपल के पेड़ की पूर्व अवस्था ग्रहण करने की बात कही। वहीं श्रद्धालु देवी चमत्कार मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंगलवार को ग्राम छपारा में चमत्कारी पीपल के पेड़ की जाँच करने के लिए विदिशा का 5 सदस्यीय तकनीकी दल पहुंचा, जिसमें उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक के एल व्यास, विज्ञान विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर पी एन श्रीवास्तव, अग्रणी महाविद्यालय विदिशा के प्राचार्य डॉक्टर मंजू जैन, वन विभाग के वन रक्षक प्रवीण विश्वकर्मा और अशोक गौर शामिल थे। दल में चमत्कारी ढंग से एक झटके में खड़े हुए पीपल के पेड़ का अवलोकन कर भौतिक घटना का सत्यापन किया, जिसमें दल ने बताया कि 2 माह पूर्व गिरे पीपल की शाखाओं को काटने के बाद पीपल का वजन जड़ों की अपेक्षा तने का कम हो गया। पानी गिरने के बाद पेड़ की जीवंत जड़ों ने जाम फ्लोइंग प्रक्रिया कर पेड़ को पानी भोजन उपलब्ध कराया होगा, जिससे उत्पन्न खिंचाव से पेड़ ने गुरुत्वाकर्षण बल नियम का पालन करते हुए भार संतुलन किया होगा, जिसमें पेड़ एकाएक खड़ा हो गया। विदिशा पठारी से आशीष सेले की रिपोर्ट। कूल थी और उसके बाद में प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो गई। उनमें से सबसे बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति है कि पेड़ का वजन कम हो गया। उसकी सारी शाखाएं पत्तियों को जब हटा दिया गया तो पेड़ का वजन काफ़ी कम हो गया, और मैंने ये देखा कि जो जिस तरफ को पेड़ गिरा था उस तरफ जड़ें बहुत पुष्ट थीं और उनमें और ताकत आई और उन्होंने खिंचाव पैदा किया और उससे पेड़ जो है सीधा खड़ा हो गया और इस पेड़ में अब पलकने की संभावना भी काफ़ी बढ़ गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।